अपनों के कत्ल का दाग कैसे छूटेगा। गाजा पर अमेरिका के नए प्लान से मुश्किल में बेंजामिन नेतन्याहू। आपको बता दें, इजरायली सेना IDF अपने ही लोगों के कत्ल करने के आरोप में चौतरफा आलोचना झेल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि IDF ने उन तीन नागरिकों पर तब गोली चलाई जब वे हवा में सफेद झंडे लहरा रहे थे। इस गोलीबारी के बाद IDF पर उन आरोपों को बल मिल रहा है कि गाजा में वह हमास ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी निशाना बना रही है। हाल ही में हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि शहर में मरने वालों की तादाद 20,000 पार कर गई है। इसमें दो तिहाई महिलाएं और बच्चे हैं। पहले जहां अमेरिका से इस युद्ध में इजराइल का समर्थन कर रहा था, उसने भी अपने हाथ खींचने की तैयारी कर ली है। NCB न्यूज ने दो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जो बाइडेन सरकार ने गाजा पर इजरायली हमले के लिए नया प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने इजरायल से कहा है कि वह जितनी जल्द हो सके गाजा पर अपनी जमीनी अभियान समाप्त कर दे। इस नए प्लान ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। गाजा पट्टी में मच रहा कत्लेआम अब दुनिया भर के देशों के साथ अमेरिका को भी चिंता में डाल रहा है। जो बाइडेन सरकार को अपनी गिरती साख सता रही है। हाल ही में गाजा पट्टी पर अभियान के दौरान इजरायली सेना ने गलती से अपने ही लोगों को गोलियों से भून डाला। मीडिया रिपोर्ट्स IDF पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इजरायल को मालूम नहीं था कि वो उसके ही नागरिक हैं। वह उन्हें फिलिस्तीन के आम नागरिक समझ रही थी। इस कत्लेआम से इजरायल अब बैकफुट पर आ गया है। उसने मामले में हाई प्रोफाइल जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर इजरायली सेना की तरफ से बयान आया कि वो घटना से गलती से हो गई है। हमारे सैनिक पिछले काफी दिनों से कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इजरायल के खेत प्रकट करने वाले बयान से मामला जल्द सुलझते हुए नजर नहीं आ रहा। अब खबर है कि अमेरिका ने इजरायल को गाजा पर जमीनी अभियान समाप्त करने की बात कही है। अमेरिका के नए प्लान ने बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज कर दिया। मामले से परिचित दो अमेरिकी अधिकारियों ने NCB न्यूज को बताया कि बाइडेन प्रशासन ने इजरायली सरकार से कहा है कि वह चाहता है कि देश गाजा में अपने बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान को समाप्त कर दे और हमास के खिलाफ अपने युद्ध को फोकस करे। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलविन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बैठक के दौरान युद्ध से एक नए चरण के लिए चर्चा की। व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि सुलविन ने नेतन्याहू से इजरायल के सैन्य अभियान के अगले चरण के बारे में बात की है।